नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम शैक्षिक समाचार को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि शिक्षा और रोजगार से संबंधित हम वीडियो को लेकर के उपस्थित होते हैं, उसी सिलसिले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, उससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या इसे पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आइए दोस्तों, जानते हैं आज की खबर क्या है रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जारी होगा 12वीं विज्ञान परीक्षा का परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के मद्देनज़र देखते हुए रिजल्ट निकालेगा और इसके जो है नतीजे मई से दूसरे सप्ताह तक जारी करने की पूरी तैयारी हो गई है। ये अजमेर से खबर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से सबसे पहले 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही वाणिज्य वर्ग का परिणाम भी जारी किए जाने की पूरी संभावना है। परिणाम मई के दूसरे सप्ताह तक घोषित करने की तैयारी की जा रही है। देश में मेडिकल सहित इंजीनियरिंग प्री परीक्षाओं के बैठने सहित देश के बेहतर उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होने की वजह से शिक्षा बोर्ड अपने विद्यार्थियों को सहूलत के लिए सबसे पहले 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस परीक्षा में पूरे प्रदेश में 260,000 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। 12वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से 2 अप्रैल तक ली गई थी। और इसके साथ एक और भी खबर है कि वाणिज्य वर्ग का परिणाम विज्ञान वर्ग के साथ, शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं वाणिज्य वर्ग का परिणाम भी विज्ञान वर्ग के साथ जारी किए जाने की संभावना है। वाणिज्य वर्ग की परीक्षा में महज 42,146 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। परीक्षार्थियों की संख्या कम होने की वजह से उनके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी तय समय पर हो गया है। शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले कुछ वर्षों से सीनियर सेकेंडरी विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम एक ही दिन जारी किया जा रहा है। तो परीक्षा परिणाम जो है विज्ञान वर्ग का, वो मई के दूसरे सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है और मई के अंत तक यानी कि अंतिम सप्ताह तक आर्ट्स यानी कि जो कला वर्ग है उसका भी परिणाम आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।